ये रहा नोटिस भाई, पब्लिक नोटिस आया है आपका इन व्यू ऑफ ऑनेबल हाई कोर्ट जजमेंट डेटेड 31 भाई, आपका हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था 31/5/2024 को इन एलपीए दिस द कमीशन हैज अपलोडेड द रिवाइज रिजल्ट ऑफ सीटी। भाई जो कमीशन है वो सीटी का रिवाइज रिजल्ट तो साइट पे अपलोड कर चुके आपका काल वेरिन परसों आया था शायद, परसों रहता ना आपका, ठीक है, ये रिवाइज रिजल्ट तो आपका आ चुका था। उसके बाद क्या दे रखा है, नाउ इन फर्दर कंप्लायंस टू ऑनेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन इन द सेट जजमेंट। अब जो हाई कोर्ट जो है आपका पंजाब एंड हरियाणा, उन्होंने एक जो मतलब कि एक डायरेक्शन दी थी कि आपको ये चीजें करनी है, मतलब कि एक और तरीके से ऑर्डर बोलते हैं, द फ्रेश एडवर्टाइजमेंट इज टू बी इशूड बाय, अभी जो फ्रेश एडवर्टाइजमेंट वो निकाल ली गई दोबारा से। हाई कोर्ट ने बोला था ना भाई जितने भी ग्रुप इन सबको रद्द करके रिजल्ट दोबारा से निकाल कर दोबारा से एडवर्टाइजमेंट करके फिर भर्ती करनी, तो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। हेंस द ग्रुप सी पोस्ट इन ग्रुप नंबर 1 जो सिविल इंजीनियर है, ग्रुप नंबर 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखो भैया जेईई वाले जितने भी साथी ने सोचते मारे कुछ पेरी होगी मारा कुछ बचेगा, भाई कुछ नहीं बचे, दोबारा से एडवर्टाइजमेंट कर दिया, अब तो वैसे ही कैंसिल है, ठीक है। ग्रुप नंबर 56 आपका और ग्रुप नंबर 57 भाई एडवर्टाइज अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2024 हेयर बाय विथड्रॉन भाई, इनको वापस लिया जाता है, मतलब ये जो भी हमने एडवर्टाइजमेंट की थी इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। देयर आफ्टर इन फर्स्ट फेज ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हैज बीन री एडवर्टाइज एक्सेप्ट कैटेगरी नंबर 25 and 33 ऑफ ग्रुप नंबर 2 भाई, ग्रुप नंबर 2 की सिर्फ ये दो कैटेगरी है, इनको छोड़ के 25 और 33 को छोड़ के इनको दोबारा से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। द ऑनलाइन पोर्टल फॉर कॉलिंग द फ्रेश एप्लीकेशन फ्रॉम सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड कैंडिडेट आफ्टर री एडवर्टाइजिंग द अबो मेंशनड ग्रुप सी पोस्ट हैज बीन मेड, जो पोर्टल है भाई जहां से आप लोग इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो ग्रुप सी मेंस के जो फॉर्म है ग्रुप 56 57 या ग्रुप नंबर 1 2 के लिए भाई, वो आपका पोर्टल लाइव कर दिया, मतलब स्टार्ट हो चुका है। ऑल कैंडिडेट हुआ है वो अप्लाइड थ्रू एडवर्टाइजमेंट नंबर मस्ट अप्लाई अ फ्रेश, मतलब जिसने भी पहले फॉर्म अप्लाई करना किया था चाहे ना किया उसका कोई चक्कर नहीं है भाई, ठीक है, सबको आपके दोबारा से फॉर्म फिलअप करना है, ये बात इसके अंदर डाली गई। कदे पाछा नून आई हो तारा रोला न्यारा रहो पहला बताऊं पाछा लट गेल पिटाई होगी, आगे बात सुना तारा जो जी फॉर्म को नहीं भरया गया भाई, मेरा तो समझ में को नहीं आते कौन से सही बल्कि जो फॉर्म को नहीं भर पा दे, आज पोर्टल ओपन हो चुका, कल रात ना हो लिया था, आज का आज में भर दो ना, आखिरी वाला दिन भराएंगे, आखिरी वाला दिन बाद साइट रुक की खड़ी हो जाएगी, फिर बेबे बर का मुंह बनाई खड़े रहेंगे, फॉर्म की डेट को नहीं भरेगा, फॉर्म क्यों नहीं भरेगा, डेट बढ़वा जाओ जी, डेट बढ़वा जाओ जी। थाने देखो भैया आगे मस्ट अप्लाई फ्रेश एल्स देयर कैंडिडेचर सेल बी, देखो सेल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर, मतलब कि अगर फॉर्म दोबारा से अप्लाई नहीं कराया तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाए। कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट बाई विजिटिंग द लिंक, भाई एक लिंक दे रखे हो अपना टेलीग्राम पर डाल दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो @JKTT छोटे अक्षरा में RGT जे टारगेट नाम था, जहाँ पर 150,000 सब्सक्राइबर पाएंगे उसको ज्वाइन कर लेना, उधर आपको जितनी भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह सारा उधर ही मिलेगा। फॉर्म भाई देखो 29 तारीख से आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं आज से, और 8 जुलाई तक आपके फॉर्म भरने का टाइम है रात के 11:59 यानी 12 बजे तक। देयर आफ्टर लिंक विल बी डिसेबल, उसके बाद लिंक डिसेबल हो जाएगा, फॉर्म डेट बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है क्योंकि सरकार के पास टाइम नहीं है, मैं पहले बताने लग रहा हूं। अदर डिटेल है रिलेटेड टू दैट हैव बीन मेंशनड इन द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, जो एक और एडवर्टाइजमेंट की पूरी एडवर्टाइजमेंट आ रही है उसके अंदर सारी भर्तियों के बारे में सब कुछ दे रखे, कितनी वैकेंसी बढ़ी कितनी घटी है वो आपकी, वो भी पूरी मैं टेलीग्राम के अंदर मैंने डाल दिया, आप वहां पर ज्वाइन करोगे @JKTT छोटे अक्षर में RGT, उधर आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, पूरी एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना। इफ एनी कैंडिडेट हैज एनी ग्रीवेंस रिलेटेड to online application, the same may be raised online by visiting the grievance management menu in the candidate, जो आप अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भाई उसके अंदर जैसे आप लॉगिन करोगे तो उधर एक grievance management नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपनी शिकायत भी दे सकते हो। नो रिक्वेस्ट रिलेटेड टू एनी grievance shall be dealt offline, मतलब ऑफलाइन कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाए, कदे उड़ा कमीशन में जाई खड़े हो जाए मेरा तो नो है मैं नो के करूं तो चीजें नहीं है भाई। देखो ये कल रात को आपका ये नोटिस जारी हुआ था, ठीक है, और ये सारा मामला है।